WWE फाइट होने वाला है यहाँ पे लगातार मारते हुए। देख लीजिए दोस्त कितना ज्यादा यहाँ पे धार है पानी का, कितना आवाज आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है बुझा रहा है, मेरे नीचे का पैर जम गया है। अब एक बार नहाया ना तो इसके बाद ठंडा खत्म ही हो गया है, तुम डर रहे हो, चलो नहाओ। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं लोग यहाँ पे, जो कि हम लोग का सबसे बड़ा मकसद था यहाँ पे नहाने वाला घाट पे, जो वहाँ पे आपको झरना जैसा दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है अभी, वहाँ पहुँचेंगे लोग, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जो आपको मशीन दिख रहा है सब, ये काफ़ी सारे ऐसे मशीन है, इसके द्वारा इस पर्दे पे प्रोजेक्टर द्वारा यहाँ पे चलाया जाएगा जो भी, जो कि काफ़ी हाँ यहाँ पे दर्शाया जाएगा, ये रामचरित का जो है वहाँ पे लाइट्स द्वारा दर्शाया जाएगा। और यहाँ पे आपको वाटर फ्लोती है लाइट, जो कि काफ़ी रात में आपको शो दिखाएगा, अच्छा अच्छा व्यू दिखाएगा पानी के द्वारा, लाइट के द्वारा। आइए अभी दिखाते हैं वहाँ पे नहाने का जो प्रोग्राम होगा कैसे होता है। देख लीजिए दोस्त कितना ज़्यादा यहाँ पे धार है पानी का, कितना आवाज़ आ रहा है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लग रहा है कि तह जाएंगे पानी के साथ साथ में। और जो नहा चुके हैं लोग उन लोगों का हालत ख़राब है, लग रहा है कि हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। और इस साइड बिल्कुल शांत है माहौल, क्योंकि इधर से ही पानी आ रहा है और वो पाइप के द्वारा वहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे पाइप के द्वारा ही पानी आ रहा है, देख सकते हैं आप कैसा धारा बना के आ रहा है वहाँ पे। ये सब काम करना सिर्फ महान आदमियों का काम है, हिम्मत वालों के लिए है, बाहुबलियों के लिए है। लग तो नहीं रहा है कि हमारे ग्रुप में कोई ऐसा होगा बाहुबली जो इसमें नहा सके इस टाइम। नहाने की हिम्मत है ना, थोड़ा मोड़ा है, थोड़ा मोड़ा है, लग रहा है उसी में पूरा हो जाएगा। हम नहाएंगे, बिल्कुल नहाएंगे, आए उतना दूर से किस लिए, नहाने की हिम्मत है ना पास में। वीडियोग्राफी है, बहुत मलेच्छ आदमी है, पता चल जाए कौन मलेच है कौन इस चीज। तब नहाने के लिए साहस है ना अंदर, जय श्री राम, राम का नाम लीजिए और नहाइए लो। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहेगा अंदर जाने के बाद, आइए चलिए अभी चलिए। क्या सोच रहे हैं, नहाने का मन कर रहा है? मन तो नहीं है लेकिन क्या करें, नहाना पड़ेगा, उतना दूर से आए लोग। पानी तो नहीं, पानी छू के देखिए कैसा है, पानी जम जाएंगे, अगर नहाने का मन नहीं करता जैकेट पहन के घुसेंगे उसमें नहाने के लिए, गर्मी करे। तो बताइए आपका क्या विचार है नहाने के बारे में? विचार यही है कि हम नहाएंगे और नहाएंगे तो करीब एक घंटा तक नहाएंगे, कितने भी ठंड पड़ जाए पूरा शीतल हो जाए लेकिन हम नहाएंगे एक घंटा। इतना एक्साइटेड है कि हम गमछी छोड़ दिया था लेकिन जाए खरीद के लाए 70 रुपये गमछी, जो कि प्योर सूती है, और जाएंगे नहाएंगे और इस धाराओं में बह जाएंगे तो कोई गम नहीं। देखे तो लग रहा है फुली जोश में है नहाने, ठीक है कोई बात नहीं, ठंडा लग रहा है जैकेट से इतने घुस जाएगा उसमें, गर्मी करते रहेगा अंदर। बताइए कैसा लग रहा है? ऐसा फील हो रहा है बुझा रहा है, मेरे नीचे का पैर जम गया है, आज ऊपर का शरीर काम कर रहा है। और ये देखिए एक आलसी अभी तक अंदर नहीं घुसा, इसको पानी भी जो नहाया वही सिकंदर। आज तक बहुत अपने जीवन में नहाए हैं, बनारस से लेकर सोनपुर से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ, लेकिन ऐसा आज फील कर रहे कि बहुत ज्यादा ठंडा है इसमें, और ठंडी का मौसम भी है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नीचे का जो ऊपर भार भी बहुत ज्यादा है, ठंड भी इतना है, देखिए आप पैर सकते हैं जो गर्माहट था ना जो पूरा एकदम मिट चुका है बहुत, लेकिन एक कुर्सी लगाने के बाद थोड़ा अनुभव कम हो जा रहा है, लेकिन बहुत ही ठंडा, बहुत बर्फ की तरह पानी है। We'll be right back.
दोस्त? वो पानी तो नहीं नहा रहा है, पानी में नहीं नहा रहा, इसका ठंडा लग रहा है। देखो अब एक बार नहाए ना तो इसके बाद ठंडा खत्म ही हो गया है, तुम डर रहे है, चलो नहाओ। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग स्नान कर चुके लोग, स्नान करने के बाद हम लोग जो वस्त्र धारण भी कर चुके लोग, वस्त्र धारण करने के बाद हम लोग जाएंगे लोग नदी के, नदी के पास, उसके पश्चात हम लोग जाएंगे लोग जल ढारेंगे लोग, उसके बाद आपको और भी नज़ारे दिखाएंगे लोग, जो दृश्य है उसको दिखाएंगे हमारे पूरे टीम यहाँ पर। अभी वस्त्र धारण कर रही है जो कि सबसे साइड हम देखें, ठंडे से मेरा बहुत कुछ शरीर का हिलने लगा, उसलिए हम जल्दी निकल कर कपड़ा पहनने लगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर वो भी पहन चुके हैं। तो चलिए आपको डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग वहाँ पे, जल लेते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं आपको। और जय जय श्री राम। तब तक के लिए तो अभी हम लोग दोस्तों नीचे से स्नान कर ऊपर की तरफ देखे लोग तो एक पुराना यहाँ पर दृश्य दिखा जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है आपको। चलिए दिखा सकते हैं, हमें तो मालूम नहीं है क्या चीज़ है लेकिन हम दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए ये काफ़ी ऊँचाई पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ तक एक स्तंभ की तरह है ये। उसके अलावा चलिए आपको और भी दिखा सकते हैं इधर, भले के लोग को घूमने तो नहीं आए हैं लोग लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पूरे माटी और ईंटे से काम हुआ हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे राजू जी भी, ऐसा नज़ारा बहुत कम जगह पर आपने देखा होगा। ये हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे आके, इसका नाम तो नहीं बता सकते लोग, कुछ पता ही नहीं हम लोग इसके बारे में, बहुत पुराना है जो भी है। आइए देखते हैं अभी और चढ़ने वाले ऊपर रास्ता है, देखते हैं। उधर जाना उचित नहीं है राजू जी, यहाँ इधर दिखा देते हैं, इधर भी है कुछ छूटा हुआ, ये भी चीज़ देख सकते हैं। ईंटा काफ़ी पुराना डिजाइन बना हुआ है, देख सकते हैं ये कितने सालों पुराना ये ईंटा होगा, देखिए कितना पतला पतला हो गया, झड़ के पतला पतला, बहुत बड़ा बड़ा ईंटा होता था और इधर होता है, देख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आपको ये दिखा दिए, हम लोग कपड़ा पहने थे लोग, तो फिलहाल हम लोग अभी जल ढारने चलेंगे लोग। तो फिलहाल आप इस नज़ारे को देख लीजिए एक बार, अब चलते हैं लोग हम अपने टीम के साथ। यहाँ पे मेंबर है हमारे यहाँ लोग, रवि जी नीचे हैं, तो चलिए मिलते हैं। और यहाँ पे ये मोहतरमा व्यस्त है जू को निकालने में, कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करे नहीं तो महंगा पड़ सकता है। हाँ आप लगे रहिए, लगे रहिए।